वो हमारे देश केसरिया बालू आओ हमारे देश। मन का केसरिया बालम आओ हमारे देश, केसरिया बालम आओ हमारे रे छोरा, दिखता नहीं कितनो बढ़ियो गाड़ो चल रही है। अरे गाने को छोड़ो, माय जीजी को अपनी मूर्ति में रंग भरना है, जल्दी करो। थारी बहन? हाँ। ओ रुक्मी को भाई है तू? अरे बड़ी प्यारी मूर्ति बनावे है थारी बहन कृष्ण जी की, ऐसा लागे है कृष्ण भगवान मूर्ति में से अब निकले अब निकले। अगर आपने जल्दी रंग नहीं दिए ना तो भगवान के मूर्ति में तो बाहर निकल कर आपको मारने आ जाएंगे। अरे छोरा बड़ो चीचड़ो है तू, ये ले ये ले। जीजी, देखो जल गया ना। अरे थोड़ा सा ही तो जला है, ये आग में पड़े रहते तो तप कर सामने से काले हो जाते, कुछ नहीं हुआ। हाँ जैसे इन्हें बड़ी चिंता है थारी, अब भी मैं पानी डाल देती हूँ, उसके बाद हल्दी का लेप भी लगा दूंगी। ओहो अरे कुछ नहीं हुआ है, अब लेप लगाने बैठूंगी तो मूर्तियां कैसे बनेंगी? पता है पूरी 50 बनानी है, एक सेठ ने कहा है कि सारी मूर्तियां ले लेगा और हाथों हाथ दाम भी दे देगा। घर में पैसे ना आए तो? जीजी, ये लो आप तेरा, और 5 रुपए बच गए। अरे प्यास के मारे मर गए हो? अरे अरे धीरे पी। जीजी तुम्हारी गोटियां कहाँ हैं? वो रखी था आपने इतनी? अरे अब और बढ़ाने को ना बोलना, जीजी को हाथ जल गए हुए। अरे कैसे 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 फूक मारी, मिट्टी का लेप लगाओ। वैद्य साहब पहले अपने पजामों को नाड़ो बांधना तो सीख लो, फिर मेरा ध्यान रखना। जीजी घीसो रसाल, चलो खाना खा लो। चलो जीजी खा लो। रुक्मी को काम करने दे, वो बाद में खा लेगी खाना, मूर्तियां तैयार करनी है ना सुबह से पहले। रुक्मी जा तू हुक को लगा ले बापू को और फिर मूर्तियां तैयार कर ले, जा यहां से। माँ मैं कर दूंगी। जीजी को हाथ जल गयो है। बढ़िया है, अब जले हुए हाथों से तो घर का कोई काम ना होगा ना बाईसा से, है ना? माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो, अब हाथ जल गया है तो? अरे जिसकी किस्मत ही जली हो तो उसके हाथ जलने से क्या, पैदा हुई तो पाला सजने से पहले अपनी माँ की अर्थी सजा दी, पहली बार मुंह से आवाज निकली और बाप दादाओं के खेत हाथ से निकल गए। हमारे हिसाब से तो दुनिया भर के सूखे और भूचाल की जिम्मेवार भी यही है।
है ना? अरे इसको पालने की चिंता ना होती तो तू भी ना आती इस घर में, और ये खटका मटका ना आता थारे को। हाँ हाँ, रानियों से रखा ना ठाकुर साहब आपने तो मुझे इस घर में, ये ना होती तो इतना कुछ थोड़ी ना पाती मैं। अच्छा छोड़ अब ये सब, जा आज तो तेरे हाथ का जलाया हुक्का पीने का मन कर रहा है मेरा। अरे जा भी अब। जाओ ना जीजी, थोड़ी तो देर लगेगी, और खाना खाना जरूरी है कि ये मूर्तियां बनाना। घर की हालत थारे से छुपी है किरण सर, सुबह की शुरुआत इस चिंता में होती है कि शाम का चूल्हा कैसे जलेगा, और शाम होते होते सुबह की रोटी के जुगाड़ की चिंता घर में सबके चेहरे पे दिखने लगती। बापू की दवाई के लिए पैसे नहीं है, उनका तंबाकू भी खत्म हो गया है, अगर मूर्तियां तैयार ना हुई तो कहां से आएगा ये सब। चलो उठो, थोड़ा सा तो खा लियो। जीजी आपने मारी सौगंधा। अच्छा ठीक है, मानने वाली तो है ना तू? ना। जी, इतना जल्दी खा भी लिया? आज भी तारे वास्ते रोटी ना बची। रहने तेरा साथ। जीजी इस घर का चूल्हा आपकी वजह से जल, और इस चूल्हे की रोटी आपके लिए ना बचे, आपको भी इतना ध्यान ना है। माँ क्या करेगी इसमें, घर में कुछ नहीं था तो नहीं था। अब तू जा मारे को काम करने, वैसे भी भूख ना थी, मां अभी कुछ खाती तो पेट में आफरा आ जाता। पर जीजी आप जो बोल रहे हो, कहा ना काम करने दे मारे को, जा जाके सो जा। Thank you.
जीजी, ना रो जीजी, जो होना था सो हो गयो। तू क्यों तारो जी खराब करे? रे मर रे छोरी, सारी की सारी बिगड़ गई के? ना माँ, अंदर 10-12 बची हैं। अरे 10-12 को बेच के जो पीसे आएंगे ना, उससे तो घर की टिक्की भी ना लगेगी। तू किसको रो रही थी रुक्मी? अरे इतनी तेज बारिश हो रही है और थारे को खबर भी ना पड़ी। अरे एक रात ना सोएगी तो मर तो ना जाएगी। अब क्या थारे को बेच के घर चलाऊं? बापू, अरे सारा दिन तो इस घर के लिए मरती है ये। अब क्या अपनी जान निकाल कर चूल्हे में डाल दे ये, इस घर का चूल्हा जलाने के लिए? बापू, ये लो पानी। अरे ये कैसे किया आपने? रात भर में सारी मूर्तियां फिर से तैयार कर ली? मैंने थोड़ी ना की, इन्होंने खुद करवाई। ठीक है, मैं थोड़ी मिर्ची रोटी बांध देती हूँ, रास्ते में खा लीजो। अरे बापू, अति सुबह कहाँ जा रहे हो? कह रहे छोरी, जाते हुए को हमेशा टोकती है। अपनी जमीन के मुकदमे के बारे में वकील साहब से बात करने जा रहे हैं बस। हे माता जी महाराज, हमारी जमीन दिलवा दो तो मैं आपके नाम को छत्र चढ़ाऊंगी मंदिर में। हो जाएगा माँ, जब जमीन अपनी है तो क्यों ना मिलेगी वापस, है ना बापू? याद से खा लेना, कल रात से कुछ ना खाया आपने। जीजी, जीजी चलो। केरे खिसू, तू भी जा रही हो? होए, साथ में एक आदमी का होना जरूरी है ना, इसलिए। ठीक है बन्ना, टेम पे रोटी खा लीजो। होए, और जीजी को भी खिला दूंगा। ये ले, चलो जीजी। अरे छोरा, बस रुकी तो पड़ी है, हैं? ये तुझे चलती हुई दिखाई दे रही है क्या? चल 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 ठहर, आ टोकरी लेके कहाँ जा रही है? बस के अंदर। अरे इस टोकरी को बस की सवारी के सर के ऊपर रखेगी के? इसके साथ नहीं घुसने दूंगा। हाँ अरे क्यों नहीं घुसने दोगे? पैसे देगी ना हम? पैसे दोगे टिकट के, बस खरीदने के नहीं। इतनी बड़ी टोकरी के साथ अंदर नहीं जा सकते, चलो उठो यहाँ से। अरे हाँ भाई, रामगढ़ रामगढ़ रामगढ़, जल्दी कर भाई। माली थारी बागी में, अरे माली डूरे माली डूरे, अरे निबुड़ा 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 रे मारे काजा काजा छोटा छोटा
क्या हुआ जीजी, क्या देख रही हो? अपनी जमीन, अपने खेत। वो तो आप हमेशा देखती रहती हो। अगर हमारे पास इतने खेत हैं, तो फिर बापू खेती क्यों नहीं करते? बापू को हंसी आती है क्या? नहीं रे मूर्ख, बापू की पीड़ा तू क्या समझेगा। कभी ये जमीन हमारे दादोसा को मिली थी जमींदारों से, लेकिन जमींदार की मौत के बाद उनके बेटों ने हमसे ये जमीन ले ली। 18 साल से बापू कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं इस जमीन के लिए। पता नहीं कब वापस मिलेगी हमें ये जमीन। मिलेगी, जरूर मिलेगी जीजी। देखना जीजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मारे मूछें आ जाएंगी, तो एक एक को पकड़ पकड़ के मारूंगा और अपनी जमीन वापस ले लूंगा। लियो सर, आपकी 30 मूर्तियां तैयार हो गई। अरे 30 ही क्यों, थारे को 50 के लिए बोले था ना मैंने। हाँ वो तैयार तो हो गई थी, लेकिन वो कल बारिश आई ना तो गल गई सारी। आप आज 30 रख लियो, बाकी के 20 मैं कल ले आऊं। थारी जबान की कीमत ना है के? मैं आगे बड़े मंदिर में बात की है कि आज ही 50 मूर्तियां पहुँचा दूंगा। आज मंदिर में मूर्तियों की प्रतिष्ठा थी, तू तो रहने ही दे, मैं किसी और से ले लूंगा। ऐसा तो ना करो सेठ, रात भर जाग के बनाई है मैंने। ये 30 तो रख लियो कम से कम, बाकी के 20 किसी और से ले लीजो। अरे अलग अलग कैसे ले सकूं हूँ, 50 होती तो बात बनती, 30 को लेके मैं माथे में फोड़ूंगा के। ए सेठ, मारे कान्हाधा की मूर्तियों के लिए ढंग से बात करो, वरना मुरली बजाकर आपके घर की सारी गाय भगा कर ले जाएंगे। ए छोरा तू तो चुप ही रह, नहीं तो छापड़ मार के जबड़ा मुंह से बाहर निकाल दूंगा। ए खबरदार, जो मारे भाई की तरफ आंख उठा के भी देखा तो चल घी सो। ए छोरा मारा लाटू तो छोड़। ए ये ताव दिखावे है। बिकेंगी, अपने आप बिकवाएंगे, वरना इन्हें गुड़ चीनी का भोग कैसे लगेगा। जी जी, जैसे आपने गुड़ चीनी का नाम दिया, हमारे पेट पर गुड़गुड़ होने लगी। इतनी बड़ी बड़ी बात कहाँ से सीखे है तू? हाँ दिमाग है हमारे पास, दिमाग। अरे वाह, अरे छोरी वाह, थारी मूर्तियां तो एकदम फूट रही हैं। कितने की देगी? 25 की एक। एक बात बता मन्ने, ये सारी मूर्तियां कितने की देगी? पूरी 30 है, पूरी लोगे तो
750 होंगे। मैं 700 लगा दूंगी। अरे ठीक है ठीक है, पर मन ने कल 20-25 मूर्तियां और लगेंगी, और ही मारी दुकान ला देगी। होए पक्की बात। ये पकड़ 700 रुपया और ले आ मूर्तियां हमारी दुकान पे ले आ। तू रोटी खा। गिर गई के हो गया छोरी? अरे थारी तो सारी मूर्तियां टूट गई छोरी, अब के करेगी? चल चल भाया चल। देख छोरी, पैसा तो मैं थारे को दे दिया था, अब अगर मूर्तियां ही टूट गई तो इसमें मारी काय गलती। कल याद से नई मूर्तियां लेके आना, मैं खरीद लूंगा। ठीक है? गीसू, तू यहां बैठ, मैं पानी पी के आती हूं। अरे छोरी के हो, खांसी आ गई? पहले मूर्तियां तोड़ दी, फिर खांसी दिला दी, भाई बहुत ही बुरे हैं हम। प्यास तो मन ने भी लागी है, थोड़ा पानी मेरे को पिला दे। और पानी नहीं पिला सकती तो चाहे जैसी मारी प्यास बुझा दे, यो थारी मर्जी। हाँ छोड़ मारी चीज़ी को। क्या हुआ भाई? ये छोरे मने परेशान कर रहे हैं। कहीं तो अकेली मिलेगी, तब देखूं थारा हाल। तू चिंता मत कर जीजी, एक दिन अकेले मिलेंगे ना तो पीट पीट कर मारूंगा। इसमें थारी कई गलती है, मियां उदास मत हो। हाँ, गलती तो तकदीर की है जो फूट उड़ी हो ऐसी। अरे तो जानबूझ के तो नहीं गिराई होगी ना इसने, कल और बना के ले जाएगी। भाभी साहब, खम्मा गणी सा। गणी खम्मा। गणी खम्मा भाभी साहब, बेटी के ब्याह का नौता देने आई हूँ। चार दिन से बांध बैठी हुई है, हल्दी तेल चढ़ रहा है और आप में से कोई भी नहीं आया है। आज रात को रसाल घूमर में जरूर आए। अच्छा चलो। ये आप पहनो। ये हाँ ये पहनो, ये मारी को दो। ऐसा टांका लगाऊंगी कि कुछ दिखेगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अब ये मैं पहन लूंगी, आप वो वाला पहन लो। नहीं, ये मैं पहनूंगी। ना जी, मैं ये पहन, मुझे ये पसंद।
मैं ये पहनू, ये मैं पहनूंगी रसाल। तू क्यों लोगों के सामने तमाशा खड़ा कर रही है? तू जाने है ना, ये सब थारे वास्ते नहीं है। जा घर जा, जा थारी मूर्तियां तैयार कर, जा जा। अरे बहुत जोर दिखा रही थी तू और थारो भाई बाजार में, अब के करेगी, किसे बुलाएगी मदद को? चल लगा ले आवाज अपने अंगूठे जितने ऊंचे भाई को, शायद आ जाए बन्ना सा थारी इज्जत बचाने और बचा ले जाए थारे को। कब तक अपना चेहरा छिपाएगी, अब तो मारे को जलवा दिखा दे।